देखिए सर, ये क्वेश्चन है सीएसआईआर नेट जून 2019 का बी पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फॉर एन बिलोंग्स टू एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी एन। कुछ एन को छोड़ दिया जाए तो सारे एन के लिए इनमें से कौन सही है, आपको चेक करना है सर इसको। तो हम ऐसा करते हैं, ऑप्शन वन लेके ही चलते हैं। ऑप्शन वन क्या है, एन प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एन ग्रेटर देन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन लेके चलते हैं। इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट एन से दोनों साइड। ध्यान दीजिएगा, इनइक्वलिटी में हमेशा ये जो इनइक्वलिटी के अपने रूल होते हैं, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कर दो उसमें, यहाँ नेचुरल नंबर है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कर सकता हूँ, वन होगा ठीक है, और पॉजिटिव है सारी चीजें ठीक है। अगर अंडर रूट ऑफ एन इंटू अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस एन ग्रेटर देन वन, अब एन जोड़ देते हैं दोनों साइड, यहां तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस वन, अंदर मल्टीप्लाई किया ना मैंने, और माइनस एन प्लस एन जोड़ा जा सकता है, यहां पे इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सर ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस वन ग्रेटर देन एन आया ठीक है, सॉरी एन प्लस वन। अब ध्यान दीजिएगा, एन नेचुरल नंबर है, सारा पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस एन इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर, स्क्वायर करने पे एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू रूट ऑफ एन। तो अब इसको जब सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, प्लस एन स्क्वायर जोड़ भी देना है, माइनस कर देना है सॉरी। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा, ये कितना आ रहा था, एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन, यहाँ पे स्क्वायर करने पे ना एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू रूट एन आया रहा था ना। अब क्या करें हम, टू रूट एन मिल रहा था हमें, रूट एन क्यों, एन स्क्वायर प्लस टू एन मिलेगा ना, तो एन स्क्वायर और एन ये ऐसा मिल जाएगा मुझे, जीरो ग्रेटर देन एन प्लस वन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या होगा, जीरो इज लेस देन एन प्लस वन, एन नेचुरल नंबर दिया है सर। तो ये हम ये लेके चले थे, मिला ये, तो इसको अगर मैं पलट दूं तो ऐसा चल रहा हमारे पास, ये है ये इनइक्वलिटी सही है, ये रिवर्स डायरेक्शन में गए। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ये तो गलत हो गया, हम इसको लेके चले थे, ये करेक्ट हो गया ठीक है सर। अब इसके और दो ऑप्शन जो हैं उनको अगर मैं देखूं, और दो ऑप्शन का मतलब क्या है, इस ऑप्शन को भी अगर हम चेक करें तो देखिएगा अगले के लिए क्या करेंगे हम, इसमें अगला ऑप्शन हमें क्या दिया है, इसको देख लेते हैं, ये वन के साथ कंपैरिजन करते हैं, इसको ग्रेटर देन वन लेके चलते हैं, ग्रेटर देन वन, तो ये क्या हो जाएगा, एन जोड़ दो, एन प्लस अंडर रूट एन माइनस रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट ऑफ एन इज ग्रेटर देन वन प्लस, ग्रेटर देन वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन सर, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन, अगेन नेचुरल नंबर है, वन प्लस रूट एन, तो स्क्वायर करके फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ एन प्लस वन ग्रेटर देन क्या आएगा, वन प्लस टू रूट ऑफ एन प्लस एन ये मिलेगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन जोड़ रहे हैं हम ठीक है, जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस साइन से निगेटिव करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, वन प्लस टू रूट ऑफ एन प्लस एन माइनस वन। तो यहां से तो जीरो ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, टू रूट एन, अगेन ये तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ये जो होगी इनइक्वलिटी ऐसी होगी, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन और ये लेस देन, इसका मतलब ये जो रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन आ रहा है वन से छोटा आ रहा है सर, ये अगर ये वन से छोटा आ रहा है, ये तो वन से बड़ा कह रहा है, गलत हो गया। तो अगर वन से छोटा है तो टू से बड़ा कैसे हो सकता है, ऑप्शन फोर भी यहां से गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है।